में भर्ती परीक्षाएं जल्द होंगी। कौन कौन सी परीक्षाएं हैं? रेलवे एनटीपीसी के 7 चरणों में एग्जाम होने थे, जिनके 6 चरणों का एग्जाम हो चुके थे, तो 7वें चरण के अभी एग्जाम बाकी थे। साथ साथ रेलवे ग्रुप डी के बच्चों को भी किसका इंतजार है भाई? अपनी परीक्षा का इंतजार है। चलिए देखते हैं पूरी खबर। क्या ऑफिशियल बयान दिया है किसने भैया? रेलवे भर्ती बोर्ड के चेयरमैन ने। चलिए देखते हैं पूरी देखो भाई खबर क्या को। है, रेलवे में भर्ती की परीक्षाएं जल्द होंगी। भारतीय रेल की गैर तकनीकी लोकप्रिय वर्ग एनटीपीसी के तहत 36,000 रिक्तियों को भरने के लिए चल रही परीक्षा प्रक्रिया को जल्द ही पूरा कर लेगी। इसके लगभग 36,000 पदों के लिए 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने आवेदन किया था। लगभग 1 करोड़ 40 लाख के आसपास यहाँ पर आवेदन किए गए थे। अब तक 7 चरणों में हुई परीक्षाओं में लगभग 1 करोड़ परीक्षार्थी बैठ चुके हैं। अंतिम चरण की परीक्षा मई जून में होनी थी, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के चलते टल गई। इसे जल्द ही किया जाएगा। रेलवे की इन परीक्षाओं के लिए नोडल एजेंसी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड RRB चेन्नई है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO सुनीत शर्मा ने कहा है कि रेलवे में बीते सालों में जो रिक्तियां निकली थी उनको भरने के लिए प्रक्रिया तेज की जा रही है। एनटीपीसी श्रेणी में बहुत ज़्यादा आवेदन आए थे, इसलिए कई चरणों में परीक्षाएं आयोजित करनी पड़ी ताकि कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा पालन किया जा सके। अभी 7 चरणों की परीक्षा हो चुकी है और आखिरी चरण की परीक्षा बाकी है। मतलब 7 यहाँ पर 7 चरण गलत लिखे हैं, टोटल 7 चरण थे। यहाँ पर जो है 6 चरणों की परीक्षा हो चुकी है और 7वें चरण की परीक्षा भी बाकी है, जो अंतिम चरण भी है। शर्मा ने कहा कि रेलवे ने पिछले साल ग्रुप बी की भर्ती की जो प्रक्रिया शुरू की थी उसको भी जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। इसके तहत 1,43,000 पदों पर भर्ती की जानी थी, जिनमें 64,000 पद सहायक लोको पायलट और टेक्नीशियन की थी। लगभग 5,000 ALP अभी भी रह गए हैं जिनको ट्रेनिंग देनी है, जिसमें रुकावट आ गई थी। उनकी ट्रेनिंग जल्द ही पूरी हो जाएगी। जिन राज्यों में ट्रेनिंग सेंटर पूरी तरह से चालू है वहाँ पर काम चल रहा है, और रुके हैं उनको 1 माह में फिर से शुरू कर दिया जाएगा। तो ये पूरी जानकारी जो है आई आज के पेपर में, और साथ ही साथ ग्रुप डी के बारे में क्या खबर आई कि थी ये उसे अपडेट भी है, लेकिन है किसके बारे में? ये ग्रुप डी के बारे में है। आप देख सकते हैं RRB ग्रुप डी CBT फर्स्ट एग्जाम डेट 2021, इसमें क्या कहा गया है इस जानकारी को भी आपसे साझा कर देते हैं। रेलवे में ग्रुप डी के पदों पर भर्ती के लिए छात्र पहले चरण के ऑनलाइन एग्जाम शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी हुए 1 साल से कहीं ज़्यादा का समय निकल गया है, और मगर अभी तक CBT फर्स्ट एग्जाम शुरू नहीं हुए हैं। रेलवे बोर्ड ने दिसंबर 2020 में जानकारी जारी की थी कि अप्रैल 2021 से ग्रुप डी के एग्ज़ाम शुरू होंगे, मगर अभी तक न एग्ज़ाम की स्थिति होने की कोई जानकारी है और न ही एग्ज़ाम रद्द होने की। परीक्षा के लिए आवेदन कर चुके लंबे समय से किसी अधिकारी जानकारी के इंतजार में। जो आवेदन जिन परीक्षार्थियों ने किया है उनकी बात यहाँ पर इन्होंने की है। दिसंबर 2020 में जारी जानकारी के अनुसार सबसे पहले मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी भर्ती के एग्ज़ाम, उसके बाद RRB NTPC CBT फर्स्ट के एग्ज़ाम, और अंत में अप्रैल मई में RRC ग्रुप डी CBT फर्स्ट आयोजित होना था। तो मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड एग्ज़ाम 18 दिसंबर को ख़त्म हो गए, और उसके बाद NTPC, देखिए जैसे अभी मैंने बताया था 6 चरणों में हो चुके हैं। NTPC भर्ती के एग्ज़ाम 6 चरणों में जो है हो चुके हैं, और अभी उसके 7वें चरण के एग्ज़ाम जो हैं बाकी हैं। मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड एग्ज़ाम 18 दिसंबर को ख़त्म हो गए, और उसके बाद NTPC भर्ती के एग्ज़ाम 6 चरणों में 8 अप्रैल तक आयोजित किए गए। इसके बाद अप्रैल माह में ग्रुप डी के ऑनलाइन एग्जाम शुरू होने थे, मगर ऐसा नहीं हुआ। किसके कारण? कोरोना के कारण जो है। देश भर में बेकाबू हो चुके कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए देश के अधिकांश प्रतियोगी परीक्षाएं स्थगित कर दिए। रेलवे ने भी कोरोना संक्रमण के खतरों को देखते हुए एग्जाम स्थगित करते हुए, हालांकि बोर्ड ने इसके संबंध में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है और न ही एग्जाम की कोई नई डेट दी है। तो नई डेट तो नहीं दी है, लेकिन जल्द ही इन डेट आने की उम्मीद है। इन पदों पर भर्ती के लिए 1 करोड़ से अधिक आवेदकों ने आवेदन किया है, जिन्हें अब एग्जाम डेट का इंतजार है। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल जल्द ही कोरोना की स्थिति का
का जायज़ा लेगा और इसके बाद एग्ज़ाम डेट पर कोई फैसला करेगा। एग्ज़ाम डेट के संबंध में कोई भी आधिकारिक जानकारी केवल आधिकारिक वेबसाइट पर ही दी जाएगी, ये इन्होंने पहले ही कहा है। देखिए, ये तो निश्चित है कि कोरोना के कारण जो एग्ज़ाम हटे हैं, अब वो जल्दी ही सारी चीज़ें पटरी पर आनी है, क्योंकि अब कोरोना की रफ़्तार धीमी पड़ चुकी है और जैसे ही कोरोना की रफ़्तार धीमी पड़ी है उसी हिसाब से अब जानकारियां भी आनी शुरू हुई हैं। कहीं ना कहीं अगर आज इन्होंने एक ऑफिशियल बयान दिया है तो इनकी मंशा ज़रूर जल्द ही एग्ज़ाम कराने की है। आपको क्या लगता है कब तक हो सकता है एग्ज़ाम, आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट अपडेट तक के लिए धन्यवाद।